पबजी मोबाइल का जो लेटेस्ट 1.0 अपडेट आया है वो कैसे डाउनलोड करें। मैं गूगल ड्राइव का और बहुत सारा लिंक दिया था जिस पर बहुत लोगों ने डाउनलोड किया, ठीक है। अभी जिस लोगों ने डाउनलोड कर लिया बट उन लोगों को एक प्रॉब्लम आ रहा है, बहुत लोगों को एक प्रॉब्लम आ रहा है कि ये वाला स्क्रीन शो हो रहा है जब वो गेम ओपन कर रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि तुम्हारा जो ओबीबी फाइल है वो कैश नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए ये स्क्रीन शो हो रहा है गेम के अंदर। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, मैं जो मतलब स्टेप बाय स्टेप मेरा मुझे फॉलो करना तो तुमको ये प्रॉब्लम नहीं आएगा दोबारा, ठीक है। तो इस पर क्या ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा जो ओबीबी फाइल है उसको तुम्हारा ये एप्लीकेशन मतलब ये जो एपीके फाइल है वो कैश नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम शो हो रहा है। तो तुमको क्या करना है, मुझे मेरा स्टेप फॉलो करना। तुम्हारे पास पहले से ही ये पबजी मोबाइल का जो किधर गया, ये जो पबजी मोबाइल का जो एप्लीकेशन तुम्हारे पास पहले से ही है, ठीक है। मतलब इसके पहले वाला वर्जन तुम्हारे पास इंस्टॉल है। तो तुमको क्या करना है, तुम जिधर डाउनलोड किए हो तुम्हारा नया जो मतलब एपीके फाइल है 1.0 का जो अपडेट है वो जिधर डाउनलोड किए हो एपीके फाइल वो इसके ऊपर ही इंस्टॉल कर लो, ठीक है। इसके ऊपर ही इंस्टॉल, अनइंस्टॉल मत करना, ठीक है। इसके ऊपर ही इंस्टॉल कर लो, पहले इंस्टॉल होने दो एक मिनट। तुम्हारा जो पहले वाला वर्सन है उसके ऊपर ही ये रीइंस्टॉल कर लो, ठीक है। लेटेस्ट वर्सन को इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल हो गया, डन कर दो। डन करने के बाद क्या करो, सेटिंग्स पे जाओ। सेटिंग्स पे जाके इधर नीचे एप्लीकेशन और एप्स कुछ करके होगा तुम्हारे फोन में, इधर मैनेज एप्स पे जाओ। इधर पबजी सर्च करो, सर्च करो और अगर ढूंढ सकते तो ढूंढ लो। इधर पबजी मोबाइल सर्च करो। सर्च करने के बाद क्या करो, इधर नीचे जो राइट साइड पे अनइंस्टॉल के राइट साइड पे जो क्लियर डेटा करके है उधर मारो और क्लियर ऑल डेटा कर दो, ठीक है। अब क्लियर ऑल डेटा करने का क्या तरीका कि तुम्हारा जो पहले वाला वर्सन का जो ओबीबी फाइल है और जो भी डेटा है, ठीक है, सब लोग सब कुछ डिलीट हो चुका है। अभी अभी तुम्हारे पास क्या बचा हुआ है, ये पबजी मोबाइल 1.0 का लेटेस्ट वर्सन बचा हुआ है, ठीक है। अब क्या करो, अब फिर से फाइल में जाओ। तुम्हारा जो अब जो तुम्हारा ओबीबी फाइल है, ये जो ओबीबी फाइल है, ठीक है, इस ओबीबी फाइल को मूव करो। मूव करके इंटरनल स्टोरेज पे जाओ, उधर एंड्रॉइड करके कुछ लिखा हुआ है, एंड्रॉइड पे जाओ। एंड्रॉइड के जाके ओबीबी करके एक फोल्डर होगा, उधर जाओ। अभी उधर तुमको इधर तुमको पेस्ट नहीं करना, इधर क्या करना है, एक फोल्डर क्रिएट करो, ठीक है। इधर क्रिएट फोल्डर करके एक फोल्डर क्रिएट करो, जिधर नाम दो कॉम, सब कुछ स्मॉल लेटर पे होगा, ठीक है। कॉम डॉट टेंसेंट डॉट आईजी ये करके होगा, इसको ओके कर दो। ओके करने के बाद ये कॉम डॉट टेंसेंट डॉट आईजी जो हम लोगों ने नया फोल्डर बनाया है उसके अंदर जाके ये वाला पेस्ट कर दो। ये जो ओबीबी फाइल जो अभी अभी मतलब हम लोगों ने डाउनलोड किया है, तुम लोगों ने डाउनलोड किए हो, इसको इधर आके पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद सीधा मिनिमाइज करो एंड गेम ओपन करो। देखो इधर एक मैं सब कुछ लाइव कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ये मेरा स्टोरेज परमिशन मैंने एक्सेप्ट कर लिया, अलाउ कर दिया। कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा गाइस, बस मेरा जो स्टेप है वो फॉलो कर लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं। देखो मेरा गेम खुल गया, ठीक है, मेरा प्रिपरेशन ये डाउनलोड हो रहा है गाइस, सबके सामने मेरा गेम खुल गया, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा गाइस। देखो मैं अगर डाउनलोड लिंक दिया हूँ तो मैं ही तरीका बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। तो मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब तो तुम कर ही चुके होंगे, ठीक है गाइस। तो तब तक के लिए बाय बाय।